तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आईटी प्रोफाइल में यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आने के लिए आपको कोई डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी या आपको लंबी चौड़ी कोई डिग्री करना पड़ेगा, बीटेक करो फिर एमटेक करो या एमबीए करो, मतलब कुछ इस तरीके की डिग्री की ज़रूरत पड़ेगी या आप बिना डिग्री के भी आ सकते हो। तो बेसिकली वही डिस्कस करेंगे और आपका जो कन्फ्यूजन या डाउट है वो पूरा खत्म हो जाएगा। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईटी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। दोस्तों बेसिकली आईटी प्रोफाइल यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो चाहे आपका हार्डवेयर नेटवर्किंग हो, सीसीएनए हो, सीसीएनपी हो, इवन मैं यहाँ पे अगर बात करूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो उसके लिए मैं बता दूँ दोस्तों कि कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि अगर आपने बीएससी कर लिया है या बीए कर लिया है कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। बट अगर आपने नॉर्मली बीएससी भी करा हुआ है एक आईटी प्रोफाइल से, यानी कि या आपने बीसीए वगैरह भी किया हुआ है, तब भी आप एक आईटी प्रोफाइल में आ सकते हो। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक करो या एमटेक करो उसके बाद ही आप आईटी प्रोफाइल में आ सकते हो। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आप बीए करके आप हार्डवेयर नेटवर्किंग में आ सकते हो या हार्डवेयर नेटवर्किंग में जॉब मिलेगी, सीसीएनए वगैरह कर सकते हो कि नहीं, तो मैं बता दूं दोस्तों जी हाँ कर सकते हो। आपने अगर बीए भी किया है, बीएससी या बीसीए या बीटेक या एमटेक या एमबीए कुछ भी किया है, अगर आपने वो सिर्फ आपका वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट है, तो हार्डवेयर नेटवर्किंग की फील्ड में आप आ सकते हो। वो चाहे फिर आप बाद में होता ना कि हार्डवेयर नेटवर्किंग का आपने कोर्स करा और एक आईटी के प्रोफाइल में वहाँ पे जॉब मिल गई। एंड दोस्तों अगर मैं बात करूँ एक डिग्री के एडवांटेज की, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक बीटेक कैंडिडेट की और एक बीएससी कैंडिडेट की, अगर ये दोनों वहां पे इंटरव्यू देने जाते हैं, अगर उसने 10 क्वेश्चन पूछे और 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन बता पाए दोनों ने, 8 क्वेश्चन बीएससी के बंदे ने, 8 क्वेश्चन बीटेक के बंदे ने, तो वहां पे ज्यादातर पॉसिबिलिटीज बनती हैं बीटेक के बंदे का। ये आपका एक प्लस एडवांटेज हो जाता है। एंड जो प्रोफाइल में आने के लिए आप ग्रेजुएशन से भी कर सकते हो, इसके बाद अगर आपके पास टैलेंट है, आपने टेक्नोलॉजी वगैरह सीखी है, तो आप एक डिग्री वाले यानी कि बीटेक वाले बंदे को भी क्रॉस कर सकते हो, वो चाहे सैलरी में हो या डेजिग्नेशन में हो, मैं दोनों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो नो डाउट आप 100% आ सकते हो। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एडवांटेज हो जाता है, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बीटेक करा है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो एक प्लस एडवांटेज हो जाता है कि बंदे को पहले से इंटरेस्ट था इसलिए उसने कंप्यूटर साइंस में किया और फिर वो आईटी में यहाँ पे जॉब करने के लिए आया। फॉर एग्जांपल अगर आप वहाँ पे इंटरव्यू में बैठे हो और उसने 10 क्वेश्चन करे और 8 क्वेश्चन एक बंदे ने बता दी जिसने बीएससी किया हुआ और 5 क्वेश्चन ही बता पाए एक बीटेक वाले बंदे ने, तो वहां पे बीटेक वाले बंदे को कंसीडर नहीं किया जाएगा और उसको नहीं लिया जाएगा, वहां पे वो बीएससी का बंदा ही उठाया जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आपने बीटेक करा हो, एमटेक करा हो, तभी एक आईटी के प्रोफाइल में आ सकते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेधड़क आप अगर आईटी में आना चाह रहे हो, आपके पास ग्रेजुएशन हो, नॉर्मली आप पढ़ाई करो और वो जो ग्रेजुएशन वगैरह के बाद होता है ना, जैसे हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोई कोर्स कर लेता है, कोई सीसीएनए कर लेता है, सीसीएनपी कर लेता है, उसके बाद वो वहाँ पे आईटी की प्रोफाइल में आ जाते हैं, तो नो डाउट आप 100% आ सकते हो। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। एंड अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा वहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए, क्योंकि इस पर सारी आपको रियलिटी बेस पे वीडियोज़ मिलती हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं अगर कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो वो मिस ना हो। बाद भी अगर आपका कोई कॉमेंट्स है क्वेरी नीचे मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ पर मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, वहाँ पर मैं ऑन स्पॉट आंसर दे देता हूं। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जय हिंद, जय भारत।